सलमान खान को किसके साथ सेल्फी लेने से लगता है डर? सलमान का सेल्फी डर। वाओ तिशे, ये फितूर का ट्रेलर इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये इश्क नहीं है आसान। I mean, that's the tagline of the trailer. ये ट्रेलर काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन श्रद्धा कपूर ने इस ट्रेलर को देखकर साल का जो सबसे बोल्ड स्टेटमेंट दे दिया है, अराधना, उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है। क्या बात करो, मुझे जल्दी से बताओ क्या कन्फेस किया श्रद्धा ने। बताऊंगा, उससे पहले एक सेल्फी ले लेते हैं। गिव मी अ फोन। अरे तुम क्या सलमान खान हो क्या? कुछ शक। वैसे आराधना, मैं तुम्हें बता दूं, अब सलमान खान के साथ सेल्फी लेना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। मतलब कुछ भी बोलोगे ना तुषी, तुम सलमान तो खुद कहते रहते हैं सेल्फी ले ले। अब ले बंद करना पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसी सेलिब्रिटी है जिसके साथ सलमान को सेल्फी लेने से लगता है डर। Oh really? Oh yes, really. Oh. You want to watch my story? Oh, top totally. Story for today. Totally. Watch it. तब तक फोन निकालो यार, I'm looking good. I am looking better than you. सेल्फी लेने में सलमान खान से कोई कम्पीट नहीं कर सकता। सलमान को जब भी मौका मिलता है वो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ करते हैं सेल्फी क्लिक। लेकिन अब सलमान खान को अपनी इसी सेल्फी हैबिट से लगने लगा है डर। सेल्फी का नाम सुनते ही सलमान के उड़ जाते हैं होश। जी हाँ, जूम को खबर मिली है यहाँ वहाँ हर जगह सेल्फी क्लिक करने वाले सलमान खान को एक खास सेलिब्रिटी के साथ सेल्फी क्लिक करवाने में हो रही है दिक्कत। सलमान खान अपनी इस खास फ्रेंड के साथ जब भी होते हैं इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि उनकी किसी भी सेल्फी में ये खास दोस्त ना आ जाए नजर। वेल, चलिए सस्पेंस खत्म करते हुए बताते हैं कौन है वो जिनके साथ सलमान को सेल्फी लेने में लगता है डर। जी हाँ, उलिया के साथ सेल्फी लेना सलमान को नहीं है पसंद। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ऐसा क्यों है, तो दरअसल सलमान खान नहीं चाहते कि उलिया के साथ उनकी कोई पिक्चर मीडिया में आए और उसे लेकर खबरें बने। आपको याद ही होगा, खबरें आई थी कि अपने बर्थडे पार्टी में सलमान खान और उलिया एक दूसरे से दूर दूर थे और इसे लेकर स्पेकुलेशंस भी हुई थी, क्या इनके बीच सब कुछ ठीक नहीं। लेकिन अब फाइनली इस दूरी की वजह का पता चल गया है और वजह है सलमान की सेल्फी हैबिट। जी हाँ, सलमान खान की बर्थडे पार्टी में पहुँचे सेलिब्रिटीज उनके साथ सेल्फी क्लिक करवा रहे थे और जो रातों रात सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। सलमान खान को अच्छी तरह पता था अगर इनमें से किसी भी पिक्चर में उलिया दिख जाती हैं तो हंगामा खड़ा हो सकता है। यही वजह है कि सलमान खान की किसी भी सेल्फी में उलिया नजर नहीं आई। सलमान खान उलिया के साथ सेल्फी लेने में अब कितनी ज्यादा हिचक दिखा रहे हैं, ये बात जरूर है कि भाईजान अपनी पर्सनल लाइफ की इस सीक्रेट को सबकी नजरों से बचा कर रखना चाहते हैं। लेकिन सलमान खुलासा ना करें तो भी क्या, सेल्फी की सीक्रेट सबके सामने आ ही गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। कल मैंने पर्सनली दीपिका पादुकोण को हैप्पी बर्थडे विश किया। शे, ओ माय गॉड, फेंकने की भी हद होती है। दीपिका इज इन बैंगलोर विद हर फैमिली। हाँ, तो क्या हुआ, मतलब मैंने पर्सनली, आई मीन व्हाट आई सेड वाज फ्रॉम माय हार्ट यार, पर्सनली मैंने सोशल मीडिया पर उसे मैसेज भेजा। इट वाज हाँ, तिशे, आई न्यू इट कि तुम ऐसे ही कुछ घटिया और पकाओ जोक मारने वाले हो। ओके, खैर मेरे ट्वीट को छोड़ो, दीपिका को कल सोशल मीडिया पर एक ऐसे सेलिब्रिटी ने हैप्पी बर्थडे विश किया, लोग हैरान रह गए। रियली, किसने, अब भी मुझे बताओ। ये देख लो, वैसे मेरे ट्वीट के बारे में भी लोग कितना बात कर रहे थे, दे लव्ड इट। ऋषि कपूर ने किया रणबीर कपूर की एक्स फ्लेम दीपिका को बर्थडे पर विश।
ऋषि कपूर और ट्विटर प्रेम के बारे में तो हर कोई जानता है, और ऋषि कपूर ट्विटर पर एक्टर्स को उनके बर्थडे पर विश करना नहीं भूलते। दिलीप साहब को किया चिंटू जी ने अपने ट्विटर अकाउंट से विश, तो वहीं ट्विंकल खन्ना को भी किया विश, और सबसे खास रहा उनका दीपिका पादुकोण को उनके बर्थडे पर विश करना। रेड हेयर दैट इट्स योर बर्थडे, वेल अ वेरी जॉयस एंड अ हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू एंड कीप अप द गुड वर्क, मच लव। लेकिन ऋषि जी ने रणबीर की सबसे करीबी एक शख्स को आज तक नहीं किया है ऐसे पब्लिकली विश। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि हैं कैटरीना कैफ। और जैसे ही ऋषि जी ने रणबीर की एक्स दीपिका को किया बर्थडे पर विश, फैंस ने ऋषि कपूर को आरके जूनियर की करंट फ्लेम कैटरीना कैफ को कभी इस तरह पब्लिकली बर्थडे विश ना करने पर ट्वीट्स कर सवाल खड़े करना शुरू कर दिए। व्हाई यू नॉट विश कैटरीना? नाउ प्लीज डोंट टेल मी दैट ऋषि जी इज दीपिकास पीआर, लॉजिक ऑफ डीपी हेटर। और उनके फैंस के इस सवाल के पीछे एक लॉजिक भी था, वो ये कि ऋषि भले ही सभी स्टार्स को करते हो बर्थडे पर विश, लेकिन रणबीर की अलेजेड गर्लफ्रेंड कैट को उन्होंने कभी नहीं किया ऐसे ट्विटर पर विश। अब ये बात अलग है कि कैट ट्विटर पर नहीं है, लेकिन फिर ये कहा गया कि इसके पहले भी ऐसे कई बॉलीवुड सेलेब्स को ऋषि जी ने ट्विटर पर बर्थडे विश किया है जो ट्विटर पर मौजूद नहीं है। तो फिर कैटरीना को क्यों विश करना भूल गए? और भले ही शशि कपूर की क्रिसमस ब्रंच में कैट का कपूर खानदान में ऑफिशियल वेलकम हो गया हो, लेकिन कैट ने भी कहीं न कहीं उनके और रणबीर के प्यार में ऋषि और नीतू कपूर के दखल की तरफ इशारा कर ही दिया। I think every relationship and every love story has its own conflict and has a different conflict. Sometimes it can be the conflict of as I said, a third party. It can be the conflict of uncertainty, it can be the conflict of afraid of commitment, it can be so many conflicts. यहाँ तक कैट ने हाल ही में दे दिया था ये स्टेटमेंट भी कि वो नहीं है कपूर खानदान के क्लोज। कैटरीना सेड, आई एम नॉट एज क्लोज टू रणबीर्स फैमिली एज आई वुड लाइक, बट आई वुड लाइक टू हैंग आउट विद देम मोर। फैमिली वुड बी अ डिफाइनिंग फैक्टर व्हेन आई मेक द डिसीजन टू मैरी। वेल, कैट ने तो कपूर फैमिली से अपने रिलेशनशिप के बारे में इशारों ही इशारों में सही बहुत कुछ कह दिया है। लेकिन जहां तक ऋषि कपूर के ट्विटर पर कैटरीना को विश ना करने की बात है, तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि ऋषि जी ने कैट को पर्सनली किया हो विश। वैसे मैंने तुम्हें कुछ बोला था, तुम्हें याद है थोड़ी देर पहले? तुषे, तुम पूरे दिन इतना कुछ बड़बड़ कर देते हो, मुझे कैसे याद रहेगा? तो छोड़ो यार, जब तुम्हें याद ही नहीं तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं? अरे वेट वेट वेट, मुझे सडनली याद आ गया, तुम श्रद्धा कपूर का बोल्ड कन्फेशन दिखाने जा रहे थे ना? वाह वाह आराधना वाह, श्रद्धा का बोल्ड कन्फेशन तुम्हें याद है? मैंने कुछ देर पहले तुम्हें कुछ बात बताई, वो तुम्हें याद नहीं है? अरे तुषे यार, तुम कितना जल्दी बुरा मान जाते हो, तुम और श्रद्धा में बहुत फर्क है। Yeah, how me? These co-anchors, I tell you. Oh. तुम story देखो, तुमसे मैं बाद में बात करूंगा। Oh really? Yes, phone पे। बॉलीवुड की ये लव स्टोरी अब पहुंच सकती है अंजाम तक। आदित्य और श्रद्धा की आशिकी एक बार फिर सबको आ रही है नजर। पहली बार श्रद्धा कपूर ने आदित्य के लिए अपनी फीलिंग को सोशल मीडिया पर कर दिया है जाहिर। जी हाँ, बॉलीवुड के इन लव बर्ड्स की प्रेम कहानी अब फाइनली लोगों को नजर आई है। दरअसल श्रद्धा कपूर ने सोशल मीडिया पर जिस अंदाज में आदित्य की फिल्म फितूर को प्रमोट किया है, वो ना कहते हुए भी काफी कुछ कह जाता है। श्रद्धा ने लिखा है, इन लव विद द फितूर ट्रेलर, यू गाइस हैव टू चेक इट आउट। श्रद्धा कपूर ने पहली बार आदित्य को लेकर सोशल मीडिया पर बात की है, क्योंकि अब तक ये दोनों ही स्टार्स एक दूसरे को लेकर कुछ भी बोलने से बचते आए हैं। इनकी चुप्पी के बाद खबरें तो यहाँ तक आईं कि इन दोनों लव बर्ड्स का ब्रेकअप हो चुका है, पर अब जबकि श्रद्धा कपूर ने ओपनली सोशल मीडिया पर आदित्य की फिल्म के बारे में बात की है, तो इससे साफ हो जाता है कहीं ना कहीं अभी भी ये दोनों स्टार्स रिलेशनशिप में हैं। वेल, श्रद्धा कपूर ने तो अपने इस ट्वीट के बारे में अपने प्यार का इजहार कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी, क्या आदित्य रॉय कपूर भी अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई।
आज का एपिसोड बनेगा और भी ज्यादा मजेदार विद आवर ब्रेकिंग न्यूज फॉर द डे. दीपिका पादुकोण और सिद्धार्थ माल्या की ये तस्वीर कई सालों पुरानी है. ये तस्वीर उस वक्त ली गई थी जब दीपिका और सिद्धार्थ एक दूसरे के बेहद करीब थे और हर जगह उनके लिंकअप की खबरें थीं. लेकिन आज कई सालों बाद एक बार फिर सडनली ये पिक्चर आ गई है सुर्खियों में. एक बार फिर हर जगह इस तस्वीर के बारे में बातें की जा रही हैं और इसकी वजह है सिद्धार्थ माल्या सोशल नेटवर्किंग साइट पर दीपिका को बर्थडे विश जो कर गए. सिद्धार्थ माल्या ने कुछ ये कहते हुए दीपिका को किया उनका 30th बर्थडे विश. हैप्पी 30th बर्थडे डीपिजो, यू एज्ड प्रिटी वेल, हैव एन एपिक ईयर. बर्थडे विश करने तक तो सही था, लेकिन सिद्धार्थ ने दीपिका को बर्थडे विश दी कई सालों पहले क्लिक की गई इस तस्वीर के साथ. लगता है सिद्धार्थ माल्या दीपिका को मिस कर रहे हैं, तभी तो कई सालों पुरानी पिक्चर के साथ उन्हें बर्थडे विश किया है. Well, सिद्धार्थ का दीपिका को इस तरह विश करना सोशल नेटवर्किंग साइट पर लगता है लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि जब से सिद्धार्थ ने दीपिका को विश किया तब से ही उन्हें सोशल नेटवर्किंग साइट पर किया जा रहा है ट्रोल. That's how you take revenge with your ex, telling age publicly. Freaking 30 years old, LOL. अब ऐसे में हम तो यही उम्मीद करते हैं कि सिद्धार्थ के इस बर्थडे विश से रणवीर और दीपिका के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम ना आए. फॉर अभिषेक सिंह, जूम मुंबई. अरंदा, तुम्हें पता है मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब मैं खुद श्रद्धा कपूर के साथ एक ही फ्रेम में नजर आऊंगा. इतना ब्रिलियंट जोक मारा थे तुमने, अमेजिंग. अराधना, तुम्हें ये जोक लगता है? कौन से एंगल? देखो, लास्ट ईयर मैंने एक फिल्म की थी, तुम्हें याद है, ऑडियंस ने देखी थी, आई गॉट गुड क्रिटिकल रिस्पांस. तो मैं उसकी वजह से, यू नो, आई एम जस्ट कंसीडरिंग, मुझे ढेर सारे ऑफर्स आ रहे हैं. आई जस्ट हैव टू पिक. रियली तशे? यस रियली. वो तो मैं सिर्फ यही इंतजार कर रहा हूं कि कोई बड़े ही सेलिब्रिटी के साथ, यू नो, पिक्चर कर लूं, तो जस्ट बेनिफिट. ओके तशे, आई विल थिंक अबाउट गिविंग यू माय डेट्स. तुम सपने देखो बेटा, सपने देखो. वैसे मुझे सपने से याद आया, फैंस का शाहिद करीना को एक साथ एक फ्रेम में देखने का सपना पूरा होने जा रहा है. शाहिद करीना एक साथ एक फ्रेम में एक फिल्म में? कौन सी फिल्म है ये? तुम सपने देखो. एंड ऑडियंसेस, ये बड़ी न्यूज मैं आपको दूंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद. मैं श्रद्धा कपूर के साथ, वी जस्ट हैव टू साइन द फिल्म. वेट एंड वॉच फॉर द बिग न्यूज. सस्ते में मत लो मुझे. Welcome back after the break. मैं हूं तिशे. और मैं हूं आराधना. And you're watching the one and only Planet Bollywood. एक ऐसा शो जहां हम करते हैं बॉलीवुड की हर गॉसिप को टर्न ऑन. अच्छा अच्छा, एक फ्रेम में करीना शायद एक साथ, it's impossible. तिशे, I know तुम्हारे लिए हर काम impossible होता है, यही रीजन है कि तुम लाइफ में कुछ कर नहीं पाए. आराधना, मेरे बारे में इतना मत बोलना, मैं बहुत कमाल की चीज हूँ, तुम्हारी समझ में कभी नहीं आऊंगा. सो ज्यादा मत बोलो, सीधा स्टोरी दिखाओ. देख लो ये स्टोरी तिशे, तुम सुधर नहीं सकते. यू आर होपलेस. बॉलीवुड फिल्मों का एक ऐसा फ्रेम जो रोक देगा आपकी सांसें, जिसका इंतजार सालों से था आप लोगों को, एक डेकेड का सपना होने जा रहा है पूरा. एक ऐसा फ्रेम जिसकी तमन्ना लाखों करोड़ों दिल में सांस लेती हैं, और इस एक फ्रेम का सपना अब होने जा रहा है पूरा. सोच में पड़ गए ना आप कि हम ये किस फ्रेम की बात कर रहे हैं? पहले ये सुनिए. अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा ना. चलिए कोई बात नहीं, हम आपकी मुश्किल आसान किए देते हैं. एक्चुअली शाहिद और करीना के फैंस की तमन्ना थी कि दोनों एक ही फ्रेम में किसी फिल्म में दिखाई दें. और जब उड़ता पंजाब बनने की खबर इन फैंस तक पहुंची, तो उन्हें लगा कि उनका ये सपना जल्द पूरा होने जा रहा है. इन दोनों के ब्रेकअप के बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ फिल्म करने से कर लिया था इनकार,
और लगभग एक डेकेड के बाद दोनों साथ दिखाई देंगे एक फ्रेम में। लेकिन शाहिद के स्टेटमेंट ने इन सभी फैंस का सपना कर दिया था चकनाचूर। और अब साशा बेबो के इन फैंस के लिए जूम एक ऐसी खबर लेकर आया है जिसे सुनकर वो फूले नहीं समाएंगे। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, शाहिद और करीना को एक फ्रेम में देखने का सपना उड़ता पंजाब में होने जा रहा है पूरा। बताया जा रहा है कि इस फिल्म के मेकर्स ने एक सीन ऐसा रखा है जिसमें शाहिद और बेबो एक साथ एक फ्रेम में स्क्रीन स्पेस शेयर करते हुए नजर आएंगे और करीना ने भी शाहिद के साथ सुधरते हुए रिश्ते की तस्दीक पहले ही दे दी थी। We're not animals. Like the way the media would perceive and want a fight or want something, but I mean that doesn't happen in real life. You know, it's like it's the reality of the situation is that we're mature individuals. Sure. Well, इसे देखकर तो यही लगता है कि साशा और बेबो के रिश्ते आखिरकार सुधर रहे हैं और इनके फैंस के लिए है एक अच्छी खबर। वाह, क्या रिएक्शन है यार! This is so inspiring. अराधना, एक दो साल में मेरा भी ऐसा शो आएगा। I'm so proud of you. I love your consistency. मतलब तुमने अभी तक सपने देखना बंद नहीं किया ना? आराधना, ये मेरा विजन है, ये शो आकर रहेगा, अब तुम देखना। मुझे गरिमा का शो देखना है। गरिमा? तुम मेरा शो नहीं देखोगी? नहीं देखोगी गरिमा? अब तो तुम देख कर रहना। So guys, with that, it's a wrap on the show. But all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood. And we will catch you tomorrow on your favorite Bollywood gossip show at 7 with more masti, more entertainment, more gossip. Only on Zoom. Turn on.